महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा का विवाद चल रहा है। सीमा मतलब कोई लड़की मत समझिए, बॉर्डर की लड़ाई है। क्या है पूरी कहानी, क्यों है ये विवाद, सब कुछ बड़े ही विस्तार और मजेदार तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। सीमा विवाद में पिछले हफ्ते तो मारपीट और तोड़फोड़ की घटना भी हो गई थी। दोनों ही राज्यों के एक्टिविस्ट झगड़ गए थे, एक दूसरे पर हमला बोला था, जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया था। 9 दिसंबर को लोकसभा में शिवसेना के सांसद ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक के मराठी भाषाई इलाकों में विरोध हो रहा है, आंदोलन हो रहे हैं और वहां आतंक का माहौल बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कर्नाटक के ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि लोग डरे हुए हैं और कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई है। सीमा विवाद के बीच 14 दिसंबर को दिल्ली में संसद भवन में एक अहम बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। इस बैठक में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हैं। इस बैठक के बाद अमित शाह ने कहा कि राजनीतिक विरोध जो भी हो, दोनों राज्यों के नेता सीमा विवाद को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएं। हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद इतना गहरा है कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से ये मसला सुलझ नहीं जाता तब तक विवादित इलाकों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, जनवरी 2021 में ठाकरे ने तो विवादित इलाकों को कर्नाटक अधिकृत महाराष्ट्र तक कह डाला था। अब चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि विवाद क्या है। आजादी से पहले महाराष्ट्र को बंबई रियासत और कर्नाटक को मैसूर रियासत के नाम से जाना जाता था। आज के समय में कर्नाटक के विजयपुरा, बेलगावी, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ पहले बंबई रियासत के हिस्सा थे। आजादी के बाद जब राज्यों के पुनर्गठन पर काम चल रहा था तब बेलगावी नगर पालिका ने मांग की थी कि उसे प्रस्तावित महाराष्ट्र में शामिल किया जाए क्योंकि यहाँ मराठी भाषी ज्यादा है। इसके बाद 1956 में जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का काम चल रहा था तब महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने बेलगावी, निपड़ी, कारवार, खानापुर और नंदगाड को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने की मांग की थी। जब मांग जोर पकड़ने लगी तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मेहर चंद महाजन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 1967 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग ने निपड़ी, खानपुर, नंदगाड सहित 262 गांव महाराष्ट्र को देने का सुझाव दिया। इस पर महाराष्ट्र ने आपत्ति जताई क्योंकि वो बेलगावी सहित 814 गांवों की मांग कर रहा था। महाराष्ट्र बेलगावी पर अपना दावा करता है, इसके अलावा वो कर्नाटक के हिस्से के 814 गांवों पर भी अपना दावा करता है। महाराष्ट्र का कहना है कि कर्नाटक के हिस्से में शामिल उन गांवों को उसमें मिलाया जाए क्योंकि वहां मराठी भाषी आबादी ज्यादा है। कर्नाटक बेलगावी को अपना अटूट हिस्सा बताता है। इतना ही नहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हाल ही में महाराष्ट्र के अक्कलकोट और सोलापुर में कन्नड़ भाषी इलाकों के विलय की मांग की थी। साथ में यह भी दावा किया था कि सांगली जिले के जाट तालुका के कुछ गांव कर्नाटक में शामिल होना चाहते हैं। आपको बता दें कि 18 साल पहले 2004 में महाराष्ट्र सरकार इस सीमा विवाद को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने 814 गांवों को उसे सौंपने की मांग की थी। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि इस मसले को आपसी बातचीत से हल किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी सुझाव दिया कि भाषाई आधार पर जोर नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे परेशानी और बढ़ सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई 30 नवंबर को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई का इंतजार है। कुल मिलाकर विवाद क्या है आप समझ गए होंगे। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता इस पर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए दोनों राज्यों के लोगों को शांति और धैर्य के साथ मामले को समझना चाहिए। साथ ही राज्यों के नेताओं को भी इस मामले को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।